फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों हम लोग आज जो पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि थंबनेल किस प्रकार का था, उसी हिसाब से आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सब टाइप के प्रश्न को। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रश्न में प्रॉब्लम होती है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज में पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसमें कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें जो होता है लगभग 4 से 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं और मैं सभी टाइप के प्रश्न को बोर्ड पे एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। तो टाइप 1 जो होता है प्रश्न, इसमें क्या दे सकता है, देखिए √2 + √2 + √2 इसी प्रकार ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप क्या देगा, इसी में माइनस लगा देगा, −√2 − √2 − √2 इसी प्रकार ये डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाता रहेगा। इसी में एक प्लस वाला क्वेश्चन रहेगा, एक माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा। इसी में एक तीसरा क्या होता है, देखिए ये होता है कि देखिए ये दो एक आता है आपको गुना वाला, ठीक है, लेकिन गुना वाला देखने देखिएगा गुना वाला इसमें क्या आता है, 2 2 2 इसी प्रकार डॉट डॉट जाता रहता है। ये टाइप 1 है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है। चौथा टाइप क्या होता है, ये गुना वाले में ही सिर्फ होता है, चौथा टाइप जो होता है सिर्फ गुना वाले में होता है, इसको क्या कहते हैं, 2√2। ये सीमित रहता है, ये डॉट डॉट नहीं जाएगा, देखिए इसमें डॉट डॉट इसमें डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसमें भी इन्फिनिटी तक, और ये जो है ये सिर्फ गुना वाले में आता है जिसमें इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, एक समय के बाद ये सीमित हो जाएगा, बराबर दे देगा, डॉट डॉट नहीं देगा। तो बेसिकली यही 4 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं टाइप 1 के प्रश्न से, जो कि बुक के हमने प्रश्न उठाया, ठीक है, तो बुक के प्रश्न से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न मैंने लिया है, देखिए √12 + √12 + √12 + √12 ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो होता है शॉर्ट तरीका आज वो भी देखेंगे और लॉन्ग तरीका जो होता है वो भी देखेंगे। लॉन्ग तरीके से ही शॉर्ट तरीका बनाया गया, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम लोग लॉन्ग तरीके से, मतलब लंबा मेथड जो होता है उसको समझ लेते हैं, ताकि अगर आपको ट्रिक नहीं पता रहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो इस सबको हम लोग करेंगे क्या, बराबर x, ठीक है, बराबर x कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2, देखिए और ये बराबर x किए हैं तो इधर क्या करेंगे, देखिए 12 और इतना के बाद का जो भी वैल्यू उसको x करेंगे, तो प्लस है तो प्लस और इसके सभी बाद के वैल्यू को x कर लेंगे। ये रूट है इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 12 + x, ठीक है। अब ये सभी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² - x - 12 = 0। अब 12 को फैक्टर करना है तो x² - 4x - 3x - 12, इक्वेशन तो तोड़ने आता ही होगा सभी को, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन तोड़ दिया। अब देखिए हमको लाना है माइनस में x, यानी प्लस में से माइनस घटाना होगा तब ना माइनस में आएगा x, ठीक है। तो 3x प्लस में और 4x माइनस में, तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, x, तो x - 4 और इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे तो प्लस में 3, तो क्या हो जाएगा x - 4 = 0। एक बार x - 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 3 = 0, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे, ठीक है, तो x - 4 = ये कहाँ चला जाएगा, 0 के बट्टा में, तो 0, तो x बराबर क्या हो गया, 4, इतना समझ गए। और अगर इस वाले टर्म को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3, तो ये उधर आएगा 0 के बट्टा में, तो 0, तो x बराबर क्या हो गया, -3, यानी कि इसका 2 को आंसर आपके पास में आ गया, 4 और -3, ठीक है, 4 और -3। तो आपके ऑप्शन में दे सकता है कि 4 और -3 इसका आंसर, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है।
अगर देखिए ये सब चीज का जो टिक मारने का तरीका होता है ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में है 4 और -3 दोनों, तो दोनों आपको टिक मारना होगा, जैसे कि ऑप्शन ए ऐसे दे देगा, ठीक है, और बी कुछ भी देख सकता है, तो आपको ये टिक मारना होगा। यदि अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, यानी कि 4, 2, 6, 8, तो हमेशा जो होगा आंसर कौन सा होगा, तो ये 12 वाला, ठीक है, हमेशा जो आंसर होगा कौन होगा, 12 वाला, ठीक है। ये तो था लॉन्ग प्रोसेस। अब चलिए इसी को हम लोग देखते हैं शॉर्ट तरीके से, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मिटा देते हैं इतना को, ठीक है। चलिए तो शॉर्ट तरीका क्या होता है, 12 को इस प्रकार तोड़ना है जिसका अंतर एक हो। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4, ठीक है, 3 और 4 को जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 12, और इसका अंतर भी देखिए तो एक का है, ठीक है, अंतर भी कितना का है, एक का है। यानी कि अगर प्लस वाला होगा, यहाँ क्वेश्चन प्लस वाला होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4, अगर यहीं पे माइनस वाला होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता आपका, लेकिन हमारे पास है प्लस वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में जो हाँ होगा 4, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो इसमें एक आध प्रश्न और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला प्रश्न हम लोग लेंगे, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा प्रश्न, देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। तो √6 + √6 + √6 + इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है, इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, 6 का 2 का फैक्टर करना है जिसका अंतर एक हो। तो 2 3 6, 3 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, और अंतर भी देख लीजिए 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए अगर प्लस का चिन्ह है तो 12 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, 12 वाला आंसर, यानी कितना हो गया आंसर, 3। वही यहाँ माइनस लगा होता तो छोटा वाला आंसर होता, तो हम लोग माइनस वाले भी प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रश्न प्लस वाले मेथड पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिएगा अगला प्रश्न जो माइनस वाले लेकर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए एक माइनस वाले प्रश्न को लेकर चलते हैं, ठीक है। √110 - √110 - √110 इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है कहाँ, इनफिनाइट तक, ठीक है, अनंत तक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बस प्रोसेस वही है, 110 का 2 का फैक्टर करेंगे जिसका हमको अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो क्या कर सकते हैं, 10 गुना 11, 11 दहाई के क्या होता है, 110, और अंतर कितना का है, 1 का है। मैंने बताया था प्लस वाले में अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन में जहां होगा 10 आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक और प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसी में एक और टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। देख लीजिए एक प्रश्न और क्या है, √56 - √56 - √56, इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है कहां, इनफिनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो क्या करना है, बस उसी प्रकार 56 का 2 को फैक्टर करना है, क्या कर सकते हैं, 7 8 56, 8 7 56, अंतर कितना का, 1 था। मैंने बताया था प्लस वाले में कि अगर प्लस होगा तो 12 वाला आंसर होगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जो होते हैं एक प्रश्न और क्या बनते हैं, मैं उस बात को बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे 56 था तो इसलिए ना मैंने 8 7 56 कर लिया जिसका अंतर 1 आ गया, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना। अगर मान के चलिए आपको 2 दे दे, ठीक है, मान के चलिए 1 दे दे, तो क्या कीजिएगा, सॉरी 2 नहीं, 2 का तो हो सकता है, 1 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, अगर ये वाला संख्या दे दे, तो या 1 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, कोई माइंड में आ रहा है कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 को किस प्रकार लिखेंगे जिसका अंतर 1 होगा, 5 को क्या लिखेंगे जिसका अंतर 1 होगा, नहीं ना आ रहा है माइंड में, इसी बात को अब एक टाइप उस टाइप के प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए √1 + √1 + √1 + √1 इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है इनफिनाइट तक, ठीक है, √1 1 1 1 जा रहा है, ठीक है। तो 1 का हम लोग कैसे 2 को संख्या तोड़ेंगे,
वन को कुछ है आपके माइंड में आ रहा है ऐसा कुछ कि वन को तोड़े नहीं ना आ रहा है, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, वन के आगे वाले संख्या को देखेंगे कि वन के आगे कौन सी संख्या है जो जिसको तोड़ सकते हैं। तो वन के आगे क्या होता है, दो, दो को हम लोग तोड़ सकते हैं, जी हाँ, एक गुना दो कर सकते हैं, तो दो एकम क्या हो जाएगा, दो, यानी कि अब ये वन को ना लेकर दो को लेंगे, तो इसका क्या आ गया, वन और टू, यानी कि ऑप्शन आपको किस प्रकार देगा, एक और दो के बीच, ठीक है, आपको अगर ऑप्शन देगा तो इस प्रकार ऑप्शन देगा, ठीक है, एक और दो के बीच, या फिर हाँ ऐसे ही ऑप्शन देता है, या फिर आपको अंग्रेजी में इसी प्रकार लिख सकता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार लिख सकता है वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि जिस भी पर्सन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न तो ये देख लिए एक एक को, अब एक प्रश्न हम तीन तीन को देख लेते हैं लेकर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो तीन तीन को लेकर करते हैं तो देखिए क्या होता है, रूट अंडर तीन प्लस रूट अंडर तीन प्लस रूट अंडर तीन, इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है इनफिनाइट तक। तो इस तीन तीन को हम लोग तोड़ नहीं सकते, तीन को कुछ ऐसा करके तोड़ सकते हैं, देखिए तीन को तोड़कर कोई कुछ नहीं कर सकते हैं तीन को, जिसका अंतर एक है, तो तीन के बाद का संख्या देखेंगे चार, चार को तोड़ सकते हैं तो चार को भी नहीं तोड़ सकते हैं, पांच को तोड़ सकते हैं पांच को भी नहीं तोड़ सकते हैं, पांच के बाद क्या आएगा छ, छ को तोड़ सकते हैं, जी हाँ छ को तोड़ सकते हैं, कितना दो तिहाई छ, देखिए तोड़ना उसी कंडीशन में जिसका अंतर एक है, तोड़ने पे अंतर एक है, गुणनखंड करने पे अंतर एक है, यानी कि कितना कर सकते हैं दो और तीन, तो तीन को हम लोग क्या लिखेंगे दो और तीन, यानी कि आपके पास में ऑप्शन में किस प्रकार देगा दो और तीन के बीच, तो इसी प्रकार के आपको ऑप्शन भी देगा, ऑप्शन में भी आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा, दो और तीन के बीच में इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो दो और तीन के बीच में, तो ये इसको किस प्रकार आपको इंग्लिश में लिख सकते हैं टू ए थ्री, इस प्रकार आपको लिख सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में नजर आ रहे होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे इसको। चलिए अब अगले टाइप के प्रश्न को देख लेते हैं, गुना वाला प्रश्न, ठीक है, तो गुना वाले में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जो कि इनफिनाइट तक जाता है और एक जो कुछ सीमित जाता है, जैसे कि पांच गुना रूट अंडर पांच गुना रूट अंडर पांच गुना रूट अंडर पांच, इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा इनफिनाइट तक, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, और इसी में एक प्रश्न हो सकता है क्या, देखिए इसी में एक प्रश्न हो सकता है पांच रूट अंडर पांच रूट अंडर पांच, और ये बढ़ता ना जाए, यहीं पे बराबर पूछ लेगी क्या रहेगा, ठीक है, तो ये सीमित हो गया, ये तीन वो है, ठीक है, लेकिन ये क्या डॉट डॉट लग डॉट लगने का क्या मतलब है कि ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का दो मेथड होता है, मतलब दो मेथड नहीं दो प्रश्न इसमें बनते हैं, और ये जो होता है ना बराबर, ये सिर्फ इसी में बनते हैं गुना में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते, देखिए अगर आप प्रोसेस से चलना चाहेंगे तो मैं पहले प्रोसेस बता देता हूं, इसका प्रोसेस क्या है कि बराबर कर लेना उसी प्रकार x, ठीक है, तो x बराबर रूट अंडर पांच और इतना के बाद का जो भी है ना उसको x ले लेंगे, यानी कि x तो गुना में है तो x, ठीक है, ये रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर फाइव एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना निकल के आ गया पांच, यानी कि क्या मतलब है कि जो रूट के अंदर का वैल्यू है वही हमको आंसर दे रहा है, रूट में क्या है पांच, तो हमको आंसर भी क्या आया पांच, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो भी संख्या रूट में होगा उसका आंसर वही होगा, ठीक है, कहने का यही मतलब है कि रूट में जो संख्या हो इंफिनिटी तक जाता हो अनंत तक जाता हो तो जो रूट के अंदर होगा गुना में हो, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये गुना में है, ये प्लस और माइनस वाला नहीं है, ये गुना में है, तो इसका आंसर क्या होगा जो रूट के अंदर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न इस पे और देखते हैं, ठीक है, देखिएगा, तो एक प्रश्न क्या हम लोग देख लेते हैं, देखिए रूट अंडर छ गुना रूट अंडर छ गुना रूट अंडर छ गुना रूट अंडर छ, इसी प्रकार ये बढ़ता जा रहा है कहां इनफिनाइट तक, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो वैल्यू रूट के अंदर होती है वही वैल्यू आंसर होती है, रूट के अंदर क्या है छ तो छ आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये किस कंडीशन में है जब गुना हो और इनफिनिटी तक जाता हो डॉट 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 डॉट, ठीक है,
समझ गए होंगे। अब इसमें एक प्रश्न जो बनता है वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं कि उस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, 2 × √2 × √2 × √2 क्या वो है, 2, 3, 5 वो है, ये 1, 2, 3 और ये एक और √2, ठीक है, ये सब बढ़ता है तो बराबर क्या होगा, बस यही प्रश्न है, ठीक है, बराबर क्या होगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डॉट डॉट नहीं लगा, इनफिनाइट तक नहीं गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रूट के अंदर में देखिए, ये नहीं देखना है कि रूट के अंदर में क्या है क्या नहीं है, आपको लिखना है सिर्फ 2। क्या लिखना है, हर एक कंडीशन में इस रूट के अंदर में 5 रहे 7 रहे कुछ भी वैल्यू रहे वही लिखना है आपको, वो नहीं लिखना है, मतलब कि 2 लिखना है रूट के अंदर में, कुछ भी 1 तो 2 लेकर हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रूट के अंदर का कोई दूसरा वैल्यू लेकर बनाएंगे और 2 पे पावर देखेंगे कि कै गो है संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या वो संख्या है, 5 को, तो 2 to the power क्या लिखेंगे, 5। 2 to the power 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, गुना कीजिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ठीक है, तो ये हो गया 32। अब देखिए रूट के अंदर में जो वैल्यू है उसको लिखिए और पावर में लिखिए इस प्रकार से, बट्टा में लिखिए 32 और 32 से घटाकर लिख दीजिए ऊपर में 31, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 31 / 32 ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 to the power 31 / 32 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नहीं समझे होंगे, दूसरे प्रश्न को लेकर हमने समझेंगे इसको, ठीक है। देखिएगा प्रश्न दूसरा, देखिए क्या, √5 × √5 × √5 बराबर क्या होगा, ठीक है, ये तीन ही है, तीन टर्म है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या बताया है कि रूट के अंदर में कोई वैल्यू है उससे हमको मतलब नहीं, हमको लिखना है 2। अब देखिए क्या है वो रूट के अंदर में, मतलब कि रूट के अंदर में क्या है, क्या है वो रूट है, ये देखिए ये गिनिए 1, 2, 3 रूट है, 2 to the power क्या डालना है, 3। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या, 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 यानी कि हो गया क्या, 8। अब देखिए रूट के अंदर में कितना है, 5, बट्टा में कीजिए 8 और 8 में से घटाकर लिख दीजिए 7, यानी 5 पे पावर क्या हो गया, 7/8 आंसर, ठीक है, 5 पे पावर क्या हो गया, 7/8 आंसर। या फिर चलिए इसको एक और प्रश्न को कर लेते हैं, इसमें बहुत ही आसान प्रश्न लेते हैं, मतलब कि आसान क्या, सभी ऐसे ही प्रश्न होते हैं, 5 से 7 प्रश्न होते हैं जो कि यही बार बार रिपीट करते रहता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं करता है, जो प्रश्न पूछ चुकी है वही प्रश्न को रिपीट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए ये लास्ट प्रश्न, ठीक है, क्या है, √7 × √7 × √7 हमने क्या बोला है, बराबर क्या होगा, तो हमने क्या बोला है कि लिखना है सिर्फ 2 और 2 पे पावर बैठाना है, जैगो रूट है तैगो, या फिर आप संख्या डिजिट गिन लीजिए, जैगो डिजिट है उतना पावर बैठाना, तो क्या है 1, 2, 3, 4 तो पावर में कितना बैठाएंगे, 4। 2 पे पावर 4 को तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 × 16 16 से 1 घटाकर ऊपर में लिख लीजिए यानी 15, तो अंदर में जो रूट है ना उसके पावर पे क्या हो जाएगा, 15/16। बस बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो रूट में रहता है ना उसको काउंटिंग कीजिए, 2 to the power उतना बैठाइए, ठीक है, और जो भी आएगा और उसमें से घटाकर ऊपर में लिखाता है, ठीक है, जैसे क्या है 16 में से घटाकर ऊपर में लिख दीजिए 15 और जो रूट के अंदर में है उसके पावर पे बैठा दीजिए उतना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।